ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के कुछ ऐसे योग बताए गए हैं जिनके जातक की कुंडली में होने पर उसे सुंदर और भाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ये योग कौन कौन से हैं। एक, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ या तुला राशि होती है तो उसे सुंदर पत्नी मिलती है। दो, यदि कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी ही सौम्य ग्रह होता है और वह स्वराशि होकर सप्तम भाव में ही स्थित होता है तो व्यक्ति को सुंदर और भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। तीन, जब सप्तम भाव का स्वामी ही सौम्य ग्रह हो और वह नवम भाव में हो तो व्यक्ति को गुणवती और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इस योग से व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। चार, सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में उपस्थित हो तो व्यक्ति की पत्नी रूपवती, संस्कारी, मीठा बोलने वाली और सुंदर होती है। विवाह के पश्चात व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है या पत्नी के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होते हैं। पाँच, यदि व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में वृष या तुला राशि होती है तो व्यक्ति को चतुर, मीठा बोलने वाली, सुंदर, शिक्षित, संस्कारी, तीखे नयन, नक्श वाली, गौरी, संगीत कला आदि में दक्ष पत्नी प्राप्त होती है। छह, यदि कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन या कन्या राशि हो तो व्यक्ति को कोमल, आकर्षक व्यक्तित्व वाली, भाग्यशाली, मीठा बोलने वाली श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त होती है। सात, जिस व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि है उसे अत्यंत सुंदर, भावुक, कल्पना प्रिय, मधुरभाषी, लंबे कद वाली, तीखे नयन, नक्श वाली, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। आठ, यदि कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी गुणवान, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाले एवं दूसरों का सहयोग करने वाले होती है। नौ, कुंडली के सप्तम भाव में धनु या मीन राशि हो तो व्यक्ति को पुण्य के कार्यों में रुचि रखने वाली, सुंदर, न्याय एवं नीति की बातें करने वाली, पति के लिए भाग्यशाली, शास्त्र अध्ययन करने वाली पत्नी प्राप्त होती है। विशेष, यहाँ बताए योगों के साथ ही कुंडली के अन्य योगों और ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। अन्य योगों के कारण यहाँ बताए गए फल बदल भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।